हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सब का स्वागत है चारों के चटकारे में। ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। 1 लीटर दूध के साथ मैंने बनाई है दूध से बनी हुई टेस्टी रबड़ी। अगर आपके घर में बड़े हैं या बच्चे हैं जिनको दूध पसंद नहीं है और दूध बिल्कुल नहीं पीते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो, तो रबड़ी बनाइए। और कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ दूध और शक्कर, और तीसरी कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। ये दो चीज़ घर में है और दूध नहीं पी रहे हैं तो फिर आपको पता है कि उन्हें आपको कैसे पिलाना है। कि मैंने 1 लीटर दूध लिया है एंड वही हमारी सेम ट्रिक, जब तक बॉयल नहीं आता है हम तब तक चलाएंगे। और रबड़ी बनाने के लिए हमें एक बात खास जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो हमारी कढ़ाई हो, भगोना हो, तपेला हो, आप जो भी लें, वो हैवी बॉटम का होना चाहिए। क्योंकि हम सिम पे पकाने वाले हैं दूध को, और अगर हैवी बॉटम नहीं होगा तो आपकी रबड़ी नीचे लग सकती है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। तो मैंने अपना जो 1 लीटर दूध है वो कढ़ाई में चढ़ाया है और हम इसको धीरे धीरे बीच बीच में चलाते चलाते बॉईल करेंगे। और हमें दूध को रिड्यूस करना है हाफ। चलिए आपको रबड़ी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। 1965 के अंदर कोलकाता के अंदर रबड़ी को बैन कर दिया गया था। उनका ये कहना था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दूध का, ओवर एक्सेसिव यूज़ ऑफ मिल्क, इसलिए उसको बैन कर दिया गया था। बॉयल आ गया है और अब हम इसको चला देते हैं, और इसको मैं चला देती हूँ। इसी तरह हम धीरे धीरे इसको बीच बीच में चलाते हुए इसको दूध को हम रिड्यूस करेंगे। और उस ड्यूरेशन में 1965 में इसको बैन कर दिया गया था, फिर क्या हुआ, फिर जो वहाँ के जो लोकल शॉपकीपर्स थे उन सब लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर उनके ऊपर केस किया और कहा गया कि नहीं, इसको वापस बैन नहीं करना चाहिए। सो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद हाई कोर्ट के द्वारा इसका बैन हटाया गया। देखिए अब मैंने क्या किया है इसके अंदर, इसको सिम पे कर दिया है, और अब जैसे जैसे इसके अंदर जो ये जो मलाई पड़ती जाएगी हम उस मलाई को धीरे धीरे हटाते जाएंगे। अगर हम इसको बॉईल करते रहेंगे और हाई फ्लेम पे रखेंगे तो मलाई पड़ेगी नहीं, और हमको चाहिए रबड़ी बनाने के लिए इसकी मलाई। इसलिए अब आप इसको सिम पे कर दीजिए और पकने दीजिए, और जैसे जैसे इसकी ऊपर ये जो एक पतली सी परत आप देख सकते हैं, आई थिंक विजिबल है, ये देखिए, इसको मैं साइड करके ऐसे साइड में चिपका देती हूँ। बस दिस इज़ द ओनली प्रोसेस। हमें कुछ ताम झाम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप साथ में अपना काम भी कर सकते हैं, और थोड़ी देर में आइए और इसकी जो मलाई पड़ गई है इसको साइड में लगाते जाइए। तो रबड़ी बनाना बहुत आसान है। सुबह दूध चढ़ा दीजिए, अपना साथ में काम करते जाइए, और बीच बीच में आके इसको देखते जाइए। पर जो बात ध्यान रखने की है वो है कि हमें बॉटम, आप जिस भी पैन में बनाएं उसका बॉटम थोड़ा हैवी हो, अदरवाइज दूध नीचे लगेगा तो आपकी रबड़ी में जलने की स्मेल आ सकती है। तो बस इसी तरह हम इसको धीरे धीरे इसकी मलाई साइड साइड में चारों तरफ आप चिपकाते जाइए, और आपकी रबड़ी रेडी हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, हमें ज़्यादा कुछ तामझाम इसमें करना नहीं है, बट इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि नीचे लगनी नहीं चाहिए, अदरवाइज पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। और रबड़ी आप बहुत सारे डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए आप जलेबी के साथ खा सकते हैं, जलेबी अगर आप घर पे बनाते हैं तो बहुत ही यमी बनती है डेफिनेटली, बट मार्केट से भी ला सकते हैं, इमरती ला सकते हैं, जलेबी ला सकते हैं, उसके ऊपर आप गार्निश कीजिए घर की बनी हुई रबड़ी और खाइए। घेवर के ऊपर खा सकते हैं, केक के ऊपर खा सकते हैं, जो हम रस्क आता है बाहर मार्केट में उसके ऊपर लगा के आप खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, और फटाफट एक अगली डिश भी बना सकते हैं रबड़ी से। ब्रेड को बेक कीजिए, रबड़ी डालिए, और बस आपकी एक नई डिश तैयार। इस तरह आप बहुत सारी डिश बना के ट्राई कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही खाना चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं। रबड़ी तो बहुत ही यमी है, और देखिए कुछ भी मिलावट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ दूध है। अगर आपके बच्चे दूध पीने में बहुत नाटक करते हैं तो रबड़ी बनाओ यार, रबड़ी खिलाओ। दूध तो आपको पता है इट्स वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन, भले बच्चे हों या बड़े हों, जो नहीं दूध पीते हैं, जिनको टेस्ट पसंद नहीं आता है, उनको आप रबड़ी खिलाइए,
और बनाना बहुत आसान है। सुबह चढ़ा देना है और धीरे धीरे बस इसकी मलाई उतारते जाना है एंड दैट्स इट। बस यही प्रोसेस हमें करना है। एंड बस जब दूध हमारा बहुत थोड़ा सा बचेगा ना, तब हमको इसके अंदर थोड़ा सा शक्कर डालनी है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो मैं मेरा दूध थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेती हूँ, इसको फटाफट बस इसको साइड में लगा लगा के। और देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, दूध थोड़ा सा रह गया है, मैंने इसके अंदर इलायची डाल दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसलिए आप डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। और एक लीटर दूध के अंदर मैंने सिर्फ 2 चम्मच शक्कर लिए, इससे ज़्यादा शक्कर की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ही इसके अंदर 2 चम्मच और डाल सकते हैं, अदरवाइज़ जो मार्केट में मिलती है वो एकदम सफिशिएंट है 2 चम्मच। एक लीटर में मैंने सिर्फ 2 चम्मच शक्कर डाली, नॉर्मल जो हमारे घर की स्पून है वही। और बस अब हम इतना पकाएंगे इसको कि ये बस हमारी जो शक्कर है वो मेल्ट हो जाए, दैट्स इट। बस थोड़ा सा इसको मेल्ट होने दें शक्कर को, और फिर हम इसको साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि रबड़ी तो ठंडी ही अच्छी लगती है। इसलिए बस अब मैंने इसको थोड़ा सा पकाना है, मेरी शक्कर मेल्ट हो जाए उतना। आप मीडियम फ्लेम इस टाइम कर सकते हैं ताकि हमारी शक्कर मिल जाए अच्छे से। तो शक्कर को हम पकने देते हैं। बस अब मैं अपनी गैस बंद कर देती हूँ, मेरी शक्कर मेल्ट हो गई है और ठंडी भी हो गई है। मैंने इसको रख दिया था साइड में, अब ये ठंडी भी हो गई है। और अब मैं आपको इसकी जो ये हमने रबड़ी बनाई है उतार के दिखाती हूँ। कोई भी आप एक स्पैचुला ले लीजिए और इसको आप निकाल लीजिए। That's it. बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो भी आप बना पाएंगे। और स्वाद तो बस मुंह में पानी आ जाए ऐसा। अगर आपने वाकई ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस बहुत तामझाम नहीं है, बस ठंडी होने के बाद निकालिएगा, गरम गरम मत निकालिएगा। बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पूरा भी ठंडा नहीं करेंगे हम, हल्का ठंडा हो जाए बस। तो हमारी जो हमने साइड में मलाई परतें बनाई थी उन परतों को निकाल लेना है और इस दूध के अंदर मिक्स कर देना है। आप चाहें तो इसको थोड़ा और पतला भी रख सकते हैं। और दैट्स इट, मिक्स कर दिया, शक्कर अच्छे से मिक्स हो गई सब दूध। और अब हम इसको करेंगे सर्व। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप, ताकि जो हमने शक्कर मिलाई थी दूध में वो आपकी जो साइड में हमने अभी निकाली है उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और गार्निश करने के लिए आप जो जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो सब यूज़ कर सकते हैं। हर तरह के ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। आप स्किप करना चाहें, कुछ बड़े लोगों के लिए बनाना है ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं तो ड्राई फ्रूट्स मत डालिए, और अदरवाइज ड्राई फ्रूट्स विल ऐड टेस्ट टू इट तो ज़रूर डालिएगा। इट्स Entirely optional, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी ये बहुत यमी बनी है। और इस वक्त मेरे मुँह में इसको देख के पानी आ रहा है। और करना क्या है यार, कुछ नहीं करना है, बस अपना काम करते जाना है और बीच बीच में इसको हेलो हाय बोलते हुए जाना है, दैट्स इट। और आपकी रबड़ी बन जाएगी। कुछ भी मिठाई बनाने के लिए नहीं है और मीठा खाने का मन कर रहा है ना, तो रबड़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सब खाते हैं, सबको पसंद आती है और बनती भी आसान से, और कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं। दूध चाहिए, 2 चम्मच शक्कर चाहिए, इलायची हो और सभी के घर में होती है हमारे, तो इलायची डाल दो। ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं सबके में, थोड़ा सा गार्निश करने के लिए ऊपर से अच्छा दिखना भी चाहिए, गार्निश कर दीजिए, काजू बादाम पिस्ता डाल दीजिए, किशमिश खाते हो पसंद हो डाल दीजिए, एंड दैट्स इट।